नमस्कार, मैं अभिषेक, बिहारी न्यूज से। बिहार में बढ़ते जुर्म से लड़ने के लिए नीतीश सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है। उसी में से एक है बिहार में 30 डीएसपीओ का तबादला। बिहार सरकार ने 30 डीएसपी के तबादले कर दिए हैं। इधर उधर किए गए डीएसपी में अनिल कुमार पटना के नए ट्रैफिक डीएसपी गए हैं। गृह विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। पटना सिटी के एसडीपीओ बलराम कुमार चौधरी को सहरसा का अपर पुलिस अध्यक्ष बनाया गया है। लखीसराय के एसडीपीओ मनीष कुमार को पटना सिटी का एसडीपीओ बनाया गया है। श्याम किशोर रंजन डीएसपी स्पेशल ब्रांच को जगदीशपुर, गया मुख्यालय के डीएसपी जितेंद्र पांडे को सिवान, भागलपुर मुख्यालय के डीएसपी अजीत कुमार को इमामगंज, सहरसा मुख्यालय के डीएसपी गणपति ठाकुर को त्रिवेणीगंज, घूरण पांडे डीएसपी सीआईडी को बजीरगंज, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी स्पेशल ब्रांच को बांका, रेशु कृष्ण डीएसपी महिला बटालियन सासाराम को कहलगांव, डीएसपी जमालपुर शिवेंद्र कुमार अनुभवी को सिकरहना, सूर्यकांत चौबे को बघा से नरकटियागंज, नरेश पासवान को डीआईजी कार्यालय बेतिया से सदर गोपालगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। इसके अलावा विनय कुमार राम को सीआईडी से डीएसपी रेल जमालपुर, श्याम सुंदर प्रसाद कश्यप को डीएसपी रक्षित पटना से इसी पद पर भोजपुर, यहां तैनात आशीष कुमार सिंह को पटना भेजा गया है। निर्मला कुमार को डीएसपी महिला बटालियन सासाराम, गौतम कुमार को डीएसपी मुख्यालय बघा, मोहम्मद निजामुल हक को डीएसपी प्रशासन बेतिया, जगदानंद डीएसपी यातायात पटना को डीएसपी रक्षित दरभंगा के पद पर भेजा गया है। आलोक कुमार सिंह को स्पेशल ब्रांच से पटना, अंजनी कुमार सिंह को बीएमपी 4 से गया तथा ओम प्रकाश अरुण को बीएमपी 12 से भागलपुर में डीएसपी मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हो तो हमारे पेज को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।